जय माता दी मित्रों, मित्रों माँ कालका स्टडी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर विर्गो असेंडेंट नवंबर 2021 कन्या लग्न के जातकों के लिए नवंबर माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लग्न कुंडली के अंतर्गत लग्न में यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कन्या लग्न है, क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है। तो सर्वप्रथम आप सभी को यह ज्ञात होना आवश्यक है कि क्या आपका कन्या लगन है अथवा नहीं। इसके लिए अपनी लगन कुंडली को देखना है और वहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ होगा। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कन्या लगन की, जो कि एक पृथ्वी तत्व लगन है और द्विस्वाभाविक लगन है। द्विस्वाभाविक लगन होने के फलस्वरूप ऐसे इस लगन के जातक अथवा जातिकों में ड्वेल नेचर पाया जाता है और स्थिरता और बदलाव दोनों को ही पसंद करके आगे बढ़ते हैं और दोनों ही कई व्यक्ति जो है अपनाते हैं। साथ ही व्यक्ति के अंदर कन्फ्यूज़न की भावना जो है पाई जाती है, कन्फ्यूज ज़्यादा रहते हैं, ऐसी स्थिति पाई जाती है। बुध से प्रभावित होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी पाई जाती है, नए नए कार्य को करने का शौक होता है इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में। साथ ही यहाँ पर क्योंकि सिक्स हाउस को लीड करते हैं तो छोटी छोटी बीमारी या फिर यहाँ पे कहे कंपेरिजन और कंपिटिशन जो कि हम बात करें, तुलनात्मक प्रवृत्ति जो होती है, कंपेयर करने की भावना इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में अधिक पाई जाती है और कंपिटिशन में भी सदा लगे रहते हैं और इस तरीके की भावना इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में पाई जाती है। नवंबर माह के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं लग्नेश, जो कि दशम भाव के स्वामी दशमेश भी बनते हैं और उनका संबंध तुला राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव से बन रहा है। अर्थात कर्म क्षेत्र में लाभ की तो स्थिति दिखाई देती है, साथ ही साथ लग्नेश का द्वितीय भाव के अंतर्गत जाना ये स्थिति बताती है कि आपका आपके परिवार की तरफ जो है आपकी जिम्मेदारी, आपके कर्तव्य या फिर आपका फोकस जो है वहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। साथ ही आपके जो है वाणी की हम बात करें उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि, क्योंकि वहाँ पे सूर्य का भी प्रभाव रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स में आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी, वाणी के माध्यम से आप लाभ लेते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति इस ओर भी इशारा यहाँ पर करती है। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि पारिवारिक तौर पर जो है, क्योंकि सूर्य बुध मंगल और यहाँ पर जो प्रभाव रहेगा तो पारिवारिक तौर पर थोड़ा सा जो है परिवार के स्वाभिमान में वृद्धि होने के फलस्वरूप वहाँ पर आपको परिवार की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, अन्यथा वहाँ पर एक ईगो के कारण, स्वाभिमान के कारण जो है एक समस्या आपके साथ बनने लग जाएगी और अपनी वाणी पर भी विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। हो सकता है आपकी वाणी में आत्मविश्वास तो बढ़े, इतना वो स्वाभिमान में बदल जाए, ईगो हो जाए, मतलब आपकी वाणी पर ऐसा लगे कि जो आप बोल रहे हैं उसके कारण सामने वाले को लगता है कि भाई अहंकार दिखा रहा है, अपना ईगो दिखा रहे हैं, ऐसा ना दिखे या कड़वी वाणी ना लगे आपकी जो है, तो थोड़ा वहाँ पर वाणी के मामले में बोलते वक्त जो है आपको संभल कर चलने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। इसी के साथ जो है इन्वेस्टमेंट करने का समय है, ये बात ध्यान रखिएगा ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम है। यहाँ पर ऐसा नहीं, इस माह के अंतर्गत की बात का ध्यान रखिएगा, भाग्य अजमाने का समय नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि कोई चीज़ जिसके में केवल भाग्य भरोसे हैं, मतलब वो वाला समय यहाँ पर माह के अंतर्गत नहीं रहेगा। तो आप जो है इन्वेस्टमेंट बिजनेस वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसका आगे चलकर आपको लाभ मिलेगा, लेकिन अगर कोई ऐसे लॉटरी वगैरह इन सब चीजों से रिलेटेड या फिर कोई ऐसी चीजें जिनमें केवल भाग्य भरोसे है तो वो सब काम में यहां पर आपको लिए जो है एक असफलता मिलती हुई नजर आएगी, मतलब वहां पर एक अच्छा संतोष की स्थिति आपको नहीं मिलेगी। इसी के साथ देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं सूर्य की बात करें तो सूर्य यहाँ पर व्ययेश होकर भी धन संचय भाव के अंतर्गत आ रहे हैं और धन संचित भाव का जो स्वामी है, मतलब शुक्र भी है, वो भी चतुर्थ भाव में आ रहा है। इस समय के अंतर्गत या तो बिजनेस वगैरह व्यापार वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आपके लिए लाभ की स्थिति लेकर आएगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो संचित धन है वो हिलता हुआ व्यय होता हुआ नजर आ रहा है, ये स्थिति पता लगती है। साथ ही उस संचित धन का उपयोग आप अपने सुखों के में वृद्धि के लिए भी कर सकते हैं। घर में हो सकता है इंटीरियर डिजाइनिंग तौर पर साज सज्जा के तौर पर आप उसको जो है मतलब धन का व्यय करते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर लग्जरियस चीजों के प्रति कुछ आपको खरीदना हो उनके प्रति आपका व्यय होता हुआ नजर आएगा। माता पर भी व्यय हो सकता है आपकी, तो ये सारी चीजों पर जो है या फिर काम वासना की पूर्ति हेतु आप उस संचित धन का उपयोग करते हुए नजर आएंगे, स्त्री पर खर्च करते हुए नजर आएंगे, स्त्री कारक चीजों पर खर्च करते हुए नजर आएंगे, लग्जरियस चीजों पर खर्च करते हुए नजर आएंगे, क्रिएटिव चीजों पर खर्च करते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ जो कि सूर्य का प्रभाव आपके यहाँ पर जो हमने बताया है कि कुटुंब के
स्वाभिमान में वृद्धि कर सकता है, आपकी वाणी को थोड़ा सा मतलब इगोइस्टिक बना सकता है, मतलब वहाँ पे ईगो लग सकता है, वो स्थिति आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ सूर्य का जो प्रभाव रहेगा ये 16 नवंबर के बाद से सूर्य वृश्चिक राशि के अंतर्गत जहाँ पर केतु भी बैठे हुए थे ये प्रभाव जो है तृतीय भाव में चला जाएगा। ये बात तय है कि एक तरीके से 20 नवंबर के अप्रोक्सीमेट बाद जो है, क्योंकि लग्नेश भी पराक्रम भाव में जाएगा, विशेष रूप से आपके पराक्रम में आपकी मेहनत में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। और इसी के साथ जो छोटी छोटी यात्राओं का आपके जीवन में संबंध आता हुआ नजर आएगा, जो छोटे भाई बहन से असंतोष की स्थिति नजर आ रही थी वहां पर कहीं ना कहीं आप कार्य करते हुए नजर आएंगे, उनके प्रति जो है आपका फोकस बढ़ता हुआ नजर आएगा। और उसी के साथ उनके स्वाभिमान 16 नवंबर के बाद छोटे भाई बहन आस पड़ोस के व्यक्ति के स्वाभिमान में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी नजर आ सकती है, साथ ही उनकी आज्ञा का पालन आपको करना पड़ सकता है, ये स्थिति वहां पर नजर आती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए यहां पर जो सूर्य का प्रभाव रहेगा वो छोटे भाई बहन के स्वाभिमान में वृद्धि जो हमने बताया है वो सब करेगा ही, उनकी एक अथॉरिटी, उनकी पावर, और साथ ही साथ जो है ये यहां से एकादश भाव हो जाएगा आपका जो है संतान भाव से, तो संतान को कोई विशेष सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलता हुआ नजर आ सकता है, ये स्थिति यहां पर नजर आती है। यहां पर ये एकादश भाव हो जाएगा, यहां पर ये स्थिति यहां पर पता लगती है। और इसी के साथ देखिए बुध का जो गोचर रहेगा 21 नवंबर के बाद बुध वृश्चिक राशि के अंतर्गत आ जाएंगे, आपका ध्यान जो है अपनी हॉबीज के प्रति, न्यूज मीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया की बात करें इस पर ज्यादा ध्यान आपका नजर आएगा, ये स्थिति कह सकते हैं, और उससे आप जो है फिर लाभ लेते हुए नजर आएंगे, स्थिति यहां पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए हम बात कर रहे हैं मंगल के प्रभाव की, हम बात करें तो देखिए मंगल यहां पर अष्टमेश भी हैं, प्राकमेश भी हैं, और देखिए मंगल का भी धन संचय भाव से जो है संबंध बन रहा है, तो एक बात ध्यान रखिएगा 16 नवंबर तक अकस्मात धन व्यय हानि इन सबके योग भी बन सकते हैं, हो सकता है आप अपना धन खर्च करते हुए नजर आए या स्वयं से व्यय हो जाए, तो ये स्थिति यहां पर नजर आती है, तो इसका बहुत ध्यान आपको यहां पर रखना चाहिए। और मंगल का जो गोचर रहेगा वो पूरे माह जो है तुला राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव के अंतर्गत है, तो परिवार में कुछ मतभेद की स्थिति, पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद हो सकता है, ये स्थिति हो सकती है। साथ ही मंगल की चौथी दृष्टि जो कि आपके पंचम भाव पर रहेगी तो आपके टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड फायदा देने वाली रहेगी, आपको जो है आपके कुछ लैंग्वेज पर किसी वर्क कर रहे थे तो वहां पर लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। संतान के लिए आपका पराक्रम जारी रहेगा, उनके लिए कुछ अधिक प्रयास आपके होते हुए नजर आएंगे, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही मंगल की सातवीं दृष्टि अपने घर अष्टम भाव को देखेंगे तो यहाँ पर आपके गुप्त ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, रिसर्च से रिलेटेड कार्य में वृद्धि कर सकते हैं, और अगर आप भूमिगत चीजों से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो वहां पर लाभ की स्थिति नजर आएगी। और मंगल की आठवीं दृष्टि जो कि नवम भाव पर रहेगी, देखिए यहां पर मंगल की जो दृष्टि रहेगी आठवीं दृष्टि, इसी के साथ क्योंकि राहु बैठे हुए हैं, शुक्र भी अपने से अष्टम होकर चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इस समय भाग्य को लेकर जो है संघर्ष का समय कहा जा सकता है, गुरु के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, मतभेद की स्थिति बन सकती है, साथ ही साथ पिता को के स्वास्थ्य में हानि भी हो सकती है, और पिता को लेकर थोड़ी समस्याएं आपके जीवन में बनती हुई नजर आ सकती है, थोड़ा सा यहां पर आपको संभल कर चलने की यहां पर आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ शुक्र के प्रभाव को देखें तो शुक्र यहाँ पर इस कुंडली में जो है धन संचय भाव के भी स्वामी है, भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, अपने से अष्टम हुए हैं यहाँ पर भाग्य भाव से, तो भाग्य के लिए तो हमने बताया ही है, और धन संचय भाव के स्वामी होकर चतुर्थ से संबंध बना रहे हैं, शुक्र जैसे ग्रह है तो देखिए मन में प्रसन्नता के भाव तो आएंगे ही आएंगे, और शुक्र के प्रभाव के कारण कामुकता के भाव आएंगे मन के अंतर्गत जो है, और यहाँ पर हो सकता है कामुकता अधिक बढ़ती हुई नजर आए, क्रिएटिव चीज़ों के प्रति ध्यान जाए, भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षण और अधिक बढ़ता हुआ चला जाए, वो स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। और शुक्र का प्रभाव जो है सातवीं दृष्टि जो कि दशम भाव पर भी रहेगी, तो अगर आप जो है मतलब किसी ना किसी सुंदर मतलब ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स पर ये वर्क कर रहे हैं, स्त्री कारक चीजों से संबंधित कोई व्यापार कर रहे हैं, मतलब यहां पर जो है कपड़ों से संबंधित कार्य कर रहे हैं यहां पर, तो वहां उन सब चीजों में या क्रिएटिव चीजों से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां पर लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, स्थिति यहां पर हम कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए शनि और गुरु की बात करें, शनि जो है पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में, वहीं गुरु का भी गोचर मकर राशि के अंतर्गत चल रहा है, 20 नवंबर के बाद गुरु कुंभ राशि में आ जाएंगे, जो यहां पर एक स्थिति नेगेटिव रहेगी आपके दांपत्य को लेकर। ठीक है, दांपत्य जीवन 20 नवंबर तक सही कहा जाएगा, लेकिन 20 नवंबर के बाद थोड़ा आपको दांपत्य जीवन में संभल कर चलने की आवश्यकता है, वहां पर जीवन साथी से सेपरेशन होने की संभावना रह सकती है, साथ ही आपके व्यापार की हम बात करें और पार्टनरशिप की बात करें, थोड़ा मतभेद और थोड़ा दूरियां आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, वहां पर आपको संभल कर चलना है, क्योंकि यहां पर
गुरु भी अपने से जो है बारहवें हो जाएंगे और शनि की भी तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है जो कि वैवाहिक जीवन के अंतर्गत मतभेद संघर्ष और सेपरेशन जैसी स्थिति को बताती है। थोड़ा यहाँ पर आपको संभल कर चलना है। इसी के साथ देखिए शनि का जो प्रभाव रहेगा वो संतान के लिए अच्छा है कि आप 20 नवंबर से पहले पहले अगर आप संतान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वहाँ पर जो है संतान प्राप्ति की कामना है तो वहाँ पर प्राप्त होने की संभावनाएं बनती हैं और शनि की सातवीं दृष्टि जो कि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, गुरु का भी प्रभाव है तो धर्म के साथ जुड़कर अगर आप कार्य करते हैं तो आपके लिए लाभ की स्थिति अधिक रहेगी। और लेकिन लाभ जो मिलेगा वो एक शॉर्ट मतलब यहाँ पर धीरे धीरे जो है लिमिटेशन के अंतर्गत जो है मिलता हुआ नजर आएगा, स्लो मोशन के अंतर्गत नजर आएगा और शनि शनि आपकी जो है आय वृद्धि या फिर आपके पदोन्नति होती हुई जो है मतलब धीरे धीरे यहाँ पर नजर आती है। और इसी के साथ देखिए शनि का जो प्रभाव रहेगा, शनि दसवीं दृष्टि जो कि आपके द्वितीय भाव पर रहेगी तो पारिवारिक तौर पे कर्म करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि आपको संतान प्राप्ति करनी है तो उसमें भी वंश वृद्धि होगी तो वहाँ पर भी एक तरीके से कर्म कह सकते हैं। अगर आप अपने वंश की वृद्धि करना चाहते हैं तो परिवार के लिए कार्य करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। और धन संचय के लिए आपका मेहनत आपके कर्म ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए गुरु जो कि आपके सप्तमी शुक्र बारहवें घर में गए जो कि हमने बताया भी है 20 नवंबर के बाद का समय मैरिज लाइफ के लिए डिफिकल्ट होता हुआ नजर आएगा। व्यापार में पार्टनरशिप को लेकर जो है डिफिकल्ट होता हुआ नजर आएगा, कठिनाइयां बढ़ जाएगी वहां पर। इसी के साथ देखिए गुरु की पांचवी दृष्टि जो कि आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत जो कि नौकरी पेशा से संबंधित जो व्यक्ति कार्य कर रहे थे उनके लिए जो है पब्लिक मतलब पब्लिकली अगर कोई कार्य कर रहे थे वहां पर पब्लिक सर्वेंट है तो वहां पर जो है थोड़ा उनको राहत मिलती हुई नजर आएगी, ये स्थिति यहां पर कह सकते हैं। और प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत बड़ी समस्याएं थी उलझन थी तो वहां पर थोड़ा शांति मिलती हुई नजर आएगी। गुरु सातवीं दृष्टि से विदेश से आपको लाभ दिला सकते हैं और 20 नवंबर के बाद से जो है जो कि व्यय में थोड़ा कंट्रोल करते हुए 20 गुरु आपके नजर आएंगे। और साथ ही नवी दृष्टि जो कि आपके द्वितीय भाव पर रहेगी तो वाणी के संबंधित चीजों में या फिर आपके धन संचय को लेकर जब व्यय पर भी प्रभाव डालेंगे तो और साथ साथ धन संचय भी कराते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक तौर पे आपको सफलता और आपको लाभ जो है उनका साथ जो है मिलता हुआ नजर आएगा। कुटुंब से में चल रही परेशानियों से आपको जो मुक्ति मिलती हुई नजर आएगी, स्थिति यहां पर कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए शुभ दिनों की बात करें, 1 से 3, 3 से 5, 7 से 9, 14 से 16, 21 से 24, 24 से 26 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। इन शुभ दिनों के अंतर्गत कोई शुभ कार्य आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अशुभ दिनों में 1, 12 से 14 है, 16 से 19, 26 से 28 ये दिन आपके लिए शुभ है। कोई मानसिक तनाव रोग की संभावना इन दिनों के अंतर्गत हो सकती है। एक बात का ख्याल रखना है, राइट आई से सीधी आँख से संबंधित आपको परेशानी हो सकती है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए लेफ्ट आई रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। यात्रा के योगों की बात करें और साथ ही साथ दांतों से संबंधित परेशानी भी आपको इस माह के अंतर्गत हो सकती है। यात्रा के योगों की बात करें, अचानक से यात्रा बन सकती है तो 12 से 14, 16 से 19 और एंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो 14 से 16 का दिन हो सकता है। स्पिरिचुअली धार्मिक कार्यों से संबंधित यात्रा करना हो तो 19 से 21 का दिन अच्छा रहेगा। हॉस्पिटल से संबंध आ सकता है 1 तारीख को, 26 से 28 का संबंध हो सकता है। और कठिनाइयों के साथ एक यात्रा की बात करें तो 5 से 7 का संबंध आपका हो सकता है। इसी के साथ देखिए कार्तिक माह 19 नवंबर 2021 तक है और मार्गशीर्ष माह की बात करें 20 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर तक रहेगा। धनत्रयोदश का दिन जो रहेगा 2 नवंबर का रहेगा। छोटी दीपावली जो कि नरक चतुर्दशी 3 नवंबर 2021, कार्तिक अमावस्या बड़ी दीपावली का पर्व जो है 4 नवंबर 2021 का रहेगा। गोवर्धन पूजा 5 नवंबर 2021 और भैया दूज 6 नवंबर 2021 और छठ पूजा 10 नवंबर 2021 की रहेगी। आप सभी को हमारी ओर से इन सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है, गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का भी जाप कर सकते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको पूरे माह के अंतर्गत करना है। साथ ही शिवलिंग पर जल भी आपको चढ़ाते रहना है। इसमें आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।